আজি বিশ্বনাথত প্ৰিয়ংকা গান্ধী উপস্থিত হৈ বিশ্বনাথৰ বুঢ়া বাবা থানত আশীৰ্বাদ লৈ প্ৰতাপগড়ৰ চাহ বাগিচাৰ মহিলাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে আৰু তাৰ পিছতে প্ৰতাপগড় চাহ বাগিচাৰ এঘৰ শ্ৰমিকৰ ঘৰত সোমাই 45 মিনিট বহি কথা বাৰ্তা পাতি লাল চাহৰ সোৱাদ ল'লে প্ৰতাপগড়ৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক দীপক তাছাৰ প্ৰজাত। অনন্ত তাছাৰ পৰিয়াল এই ক্ষেত্ৰত অতিশয় আনন্দিত বুলি সাংবাদিকৰ আগত মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে। অনুভৱ খুব ভাল লাগিলে যাতে তেওঁ আহিলে আমাৰ মানে কি বহুত আনন্দ লাগিলে। ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই আমি বহুত ফূৰ্তিত আছোঁ আজি। এতিয়ালৈকে চাহটাও নাই খোৱা তথাপি আহি আপোনাৰ লগত কি মত বিনিময় কৰিলে, কেনেধৰণৰ মত বিনিময় কৰিলে, কথা বতৰা কেনেকুৱা? আমিতো কথা মানে তেওঁতো ভালকেই পাতিলে বাৰু, তেনেকুৱা একো বেয়া কাৰো কাক ঘূৰ দিয়া সেইবিলাক নাই সোধা বা সেইবিলাক একো তেনেকুৱা নাই সোধা। জাষ্ট সুধিলে যে তোমালোকে এনেকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ আছে, ঘূৰাব পাৰা খালি আছে, একদম খালি আছে, এতিয়া কাৰণ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম হৈছে নাই এতিয়া, সেইটো কাৰণে নাই ভৰোৱা। বাকী তেওঁ আহিলে চাহ তাহ খালে, লাল চাহ বনাই দিলোঁ, তেওঁ ওচৰতে আছিলে মানে লাল চাহ বনাই দিলোঁ আৰু বিস্কুট দিলোঁ, বিস্কুটৰ লগত খালে। কিহত বহিলে আৰু এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে অহাৰ পিছত? ভাল মানে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিও কিছুমানে ধৰক অলপ বেয়া পাইছে যদিও, কিন্তু কোনো দুখ নাই। প্ৰথমতে অলপ ভয়ো লাগিছিলে মানে তেওঁ ইমান ডাঙৰ আহিব, তাৰপিছত গৈ কিবা কোনোবাই কিবা খাই কাজিয়া কৰে বা কিবা বুলি, এতিয়া কিন্তু একো তেনেকৈ ভয় নাই লগা, ভালেই লাগিছে। লগতে তেওঁ কয় যে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ এই শ্ৰমিকসকলৰ বাবে যিহেতু যথেষ্ট দামত গেছ চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয় কৰাটো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। তাৰোপৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে যিজন চাহ শ্ৰমিকৰ ঘৰত ৰঙা চাহ আৰু বিস্কুট খালে তাত তেওঁ লক্ষ্য কৰিলে গেছ আছে কিন্তু ভৰাবলৈ সক্ষম নহয়। এইদৰেই তেওঁ মত বিনিময় কৰি তেজপুৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰে। मैम इतना नजदीक उन लोगों के पास आया, उसका फैमिली का बैकग्राउंड, उनका देखा बैकग्राउंड, उसके बाद क्या महसूस करेगा? अभी तक रोजगार के लिए वो लोग हड़ताल करता है, रोजगार के लिए क्या बोलेगा मैम? आप तो नजदीक में गया उनके साथ बातचीत किया। देखिए चाय के बगान के जो देखिए ये काम पूरी उठते हैं, धूप में जाके बगान जाते हैं और अपना काम करते हैं घंटों के लिए, बच्चों को घर पे छोड़ते हैं, तो लोग एनडी टू लुआई ना न्यूज लाइव हाके दिले के भी छोटे छोटे बच्चे हैं। कौन सा बात तो यही है, क्योंकि ये सब कह रहे हैं कि देखिए महंगाई बढ़ती चली जा रही है, हमारी कमाई नहीं बढ़ रही, हमारी कमाई वही की वही है। हम चाहे कितना भी करें हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। अगर एक दिन हम काम पे नहीं आए तो हमें मतलब एक दिन को करें, तो ये स्थिति है, ये हाल है। और मैं तो यही कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है कि पूरी कोशिश करेंगे और उन्होंने कहा है कि 365 की जो दिहाड़ी है वो मिलेगी, वो उस पर हमें कायम रहना पड़ेगा, हमें कायम रहना पड़ेगा और एक वादे की तरह नहीं, उसको एक तरह से गारंटी करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और सुनवाई भी नहीं है। हर चीज़ पेट्रोल डीजल गैस के सिलेंडर हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं और वो सिर्फ इनके लिए तो बहुत बड़ी आपत्ति है, लेकिन जैसे आपके लिए भी आपत्ति है, सबके लिए है। तो मतलब अब समय आ गया है कि एक ऐसी सरकार आए जो जनता की समस्याओं को समझे और उनको सुलझाने की पूरी तरह से कोशिश करे दिल से, क्योंकि बगान में भी महिलाओं ने मुझे कहा, सब नेता आते हैं हर समय बड़े बड़े वादे करते हैं, शायद उनको बहुत उम्मीद भी थी इस सरकार से, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि शुरू शुरू में पैसे मिलते थे अकाउंट, शुरू शुरू में एक आध गैस सिलेंडर मिल गया, अब वही गैस सिलेंडर अंदर यहाँ पे भी यहीं इनकी रसोई में भी खाली पड़ा है। 800-900 रुपये किसके पास है कि गैस सिलेंडर को? तो मतलब उम्मीदें थी, उम्मीदों को नकारा गया है, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, वादों पर अमल नहीं हुए हैं और स्थिति यह है कि देश में गरीबी बढ़ रही है, जो सरकार के जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र उनको सब कुछ मिल रहा है, एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, आपका गुवाहाटी एयरपोर्ट भी खरीद लिया है, तो बड़ी बड़ी चीज़ें उनकी उपलब्धियाँ हो रही हैं, उनको सुविधा मिल रही है, जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं, तो ये स्थिति तो बदलनी पड़ेगी, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जनता को ही बदलनी पड़ेगी। विवेक आप सब में है, आप जानते हैं आप किस परिस्थिति में जी रहे हैं, वो जानते हैं,
कोई नेता आके उनको बताए उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो सीखने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अधिकार आपको सरकार ने, मतलब लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है, वोट का अधिकार है, उसको इस्तेमाल करिए ठीक ढंग से, क्योंकि नहीं तो क्या बदलेगा। তার এখন জনসভাত ভাগ লবৰ বাবে বিশ্বনাথৰ পৰা সুৰঞ্জন গগৈ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।